दोस्तों, अगर हम 125 सीसी सेगमेंट की बाइक में सबसे हाई रेटेड यानी कि सबसे हाई प्राइस्ड बाइक की बात करें, जिनकी कीमत सबसे ज़्यादा है 125 सीसी सेगमेंट में, तो उसमें दो बाइक सबसे टॉप पे आती हैं। पहली बाइक है यहाँ पे हीरो की ग्लैमर प्रोग्राम्ड FI वेरिएंट, और दूसरी जो बाइक है वो है होंडा की CB साइन SP। अब इन दोनों की प्राइस लगभग एक दूसरे से मैच करती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों की प्राइस। इसकी वजह से इन दोनों में जो कंपेयर है वो काफ़ी ज़ोरदार होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी खुल के कंपेयर करेंगे इन दोनों बाइक्स के बारे में, मिल के कंपेयर करेंगे और सारी चीज़ देखेंगे कि क्या चीज़ आपको जो है दोनों में बेहतर मिलती है और कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइस से ही स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि इन दोनों बाइक की प्राइस आपको 82,000 से 84,000 के बीच में देखने को मिलेगी, यानी कि 82,000 से 84,000 के बीच में इनका ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलेगा। अब ये प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बट यही इनका ऑन रोड प्राइस है, मतलब कि लगभग 500 से 1,000 का अंतर इन दोनों के प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको एडिशनल चीज़ें क्या मिलने वाली है ये आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो प्राइस के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं इनके लुक को लेके। तो लुक के बारे में बहुत ज़्यादा बहस हम नहीं करते हैं, लुक के लिए हम आपसे कहते हैं कि आप कमेंट में हमें आके बताइए कि इन दोनों बाइक्स में आपको सबसे ज़्यादा लुक कौन सी बाइक का बेहतर लगता है। तो वीडियो को एक मिनट के लिए पुश कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइए कि आपको इन दोनों बाइक में किसका जो है लुक सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन हम कलर आपको बता दें, तो यहाँ पे जो होंडा CB साइन SP, इसमें 5 कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। पहला कलर ब्लैक होगा, दूसरा ब्लू मेटेलिक होगा, तीसरा रेड मेटेलिक होगा, चौथा ग्रे मेटेलिक होगा और पाँचवा पियर साइरन ब्लू होगा। और यहीं पे अगर हम ग्लैमर FI की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ 3 कलर वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें कैंडी ब्लेजिंग रेड होगा और दूसरा टेक्नो ब्लू होगा और तीसरा ब्लैक विथ स्पोर्ट रेड के साथ आएगा। तो मतलब आपको जो है जो प्रोग्राम्ड FI है इसमें आपको 3 कलर मिलेंगे और यहाँ पे होंडा CB साइन SP में आपको 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब लुक के बाद हम बात आती है इनकी माइलेज और टॉप स्पीड पे। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे होंडा CB साइन SP में आपको 10.5 लीटर यानी कि 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक लगाया गया है, और साथ ही साथ इसका जो माइलेज आता है वो 60 to 62 तक का यानी कि 60 से 62 तक का माइलेज आपको देखने को मिल सकता है। और ये माइलेज एक एवरेज स्पीड के बाद हम आपको बता रहे हैं, ये एकदम एग्जैक्ट माइलेज नहीं है, माइलेज ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसके आसपास आपको माइलेज इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। टॉप स्पीड की बात कर लें तो इसकी 100+ टॉप स्पीड है, यानी कि आपको इसको जो है 105 तक सिंगल राइडर के साथ आप इसकी टॉप स्पीड गेन कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम FI की तरफ, ग्लैमर की तरफ। तो इसमें आपको मिलता है 10 लीटर का यानी 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और साथ ही साथ जो इसका माइलेज है, माइलेज के मामले में ये CB साइन से थोड़ा आगे निकल जाती है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होने के वजह से, FI होने के वजह से इसका जो माइलेज है वो 65 to 70 तक क्लेम किया जा सकता है। लगभग इतना माइलेज आपको मिल जाता है अगर आप इसको एक एवरेज स्पीड में राइड करते हैं। तो मतलब माइलेज के मामले में ये CB साइन SP से थोड़ी सी बेहतर है। और टॉप स्पीड की बात करें तो उसमें भी ये CB साइन से थोड़ी सी बेहतर है, इसमें आपको 100+ की टॉप स्पीड इसमें भी मिलती है, लेकिन आप इसको 110 तक सिंगल राइडर तक आप गेन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसका जो न्यू मॉडल आता है, जो इसके बाद जो मॉडल आता है न्यू ग्लैमर के नाम से, उसकी मैंने टॉप स्पीड दिखाई है अपने चैनल पे, जो कि 105 तक गई है, वो भी डबल पिलियन राइडर के साथ। तो मतलब आप 110 तक इसकी टॉप स्पीड गेन कर पाएंगे, और ये टॉप स्पीड CB साइन SP से ज़्यादा है। चलिए टॉप स्पीड की बात हो गई, अब हम आते हैं इनके इंजन पे। तो आपको बता दें होंडा CB साइन SP में आपको मिलता है एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 124.7 सीसी का इंजन, 124.7 सीसी का इंजन इसमें लगाया गया है, जो मैक्स पावर जनरेट करता है 10.16 bhp के 7500 rpm पे, और जो मैक्स टॉर्क आता है वो आता है 10.30 न्यूटन मीटर का 5500 rpm पे। और यहीं पे अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पे प्रोग्राम्ड FI की तरफ, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर का इंजन होगा, जो कि 124.7 सीसी का सेम इंजन होगा, यानी 124.7 सीसी का इंजन इसमें भी लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे पावर और टॉर्क में डिफरेंट देखने को मिलेगा। जो मैक्स पावर आएगी वो आएगी 11.5 bhp के 7500 rpm पे, और जो मैक्स टॉर्क आएगा वो आएगा 11 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पे। तो आप यहाँ पे डिफरेंट सीधे सीधे देख पा रहे होंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है इंजन का दोनों बाइक का वो सेम है, लेकिन जो पावर और टॉर्क आ रही है वो ग्लैमर FI में आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पे साइन SP से।
चलिए यहाँ पे अगर इंजन की बात हो गई तो अब हम बात कर लेते हैं इनके सस्पेंशन को लेके। तो सस्पेंशन की बात बता दें तो यहाँ पे होंडा सीबी साइन एसपी में आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको मिलता है स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन। और यहीं पे प्रोग्राम्ड एफआई के सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर और रियर में आपको मिलेगा 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। सस्पेंशन की बात हो गई दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके टायर्स एंड ब्रेक्स की। तो यहाँ पे हम आपको बता दें टायर्स और ब्रेक में लगभग चीज़ें एकदम सेम देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे होंडा सीबी साइन में आपको मिलता है 80x100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर फ्रंट में और रियर में आपको मिलता है 80x100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर। टायर एकदम आगे पीछे सेम लगाए गए हैं सी बी साइन एस पी में। ट्यूबलेस टायर भी है आपके लिए, अच्छा एडवांटेज है सी बी साइन एस पी की तरफ से। अब हम अगर ग्लैमर की तरफ रुख करते हैं तो ग्लैमर की अगर बात कर लें तो इसमें भी फ्रंट में आपको मिलेगा 80x100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर, लेकिन रियर में थोड़ा सा कहानी चेंज हो जाती है। रियर में आपको मिलता है 90x90 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर। बात अगर टायर की हो गई तो हम ब्रेक की कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक एकदम सेम है दोनों ही बाइक में, क्योंकि यहाँ पे होंडा सीबी साइन एसपी में अगर आप इसका डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो फ्रंट में आपको मिलता है 240mm का डिस्क विथ CBS यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। अब ये क्या होता है तो हम आपको बता दें, रियर ब्रेक अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका फ्रंट ब्रेक काफ़ी हद तक अप्लाई होता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है पूरे बाइक की और आपको काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग देखने को मिल जाता है। यहीं पे अगर हम बात करें प्रोग्राम्ड एफआई में तो इसमें भी आपको जो है फ्रंट में 240mm का डिस्क देखने को मिलता है और पीछे आपको 130mm का ड्रम मिलता है विथ IBS यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। और यहाँ पे हीरो ग्लैमर एफआई में आपको IBS मिलेगा और यहाँ पे होंडा सीबी साइन एसपी में आपको CBS मिलेगा। ये दोनों ही ब्रेक एकदम सेम पैटर्न पे काम करते हैं, जिसमें आप रियर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फ्रंट ब्रेक काफ़ी हद तक अप्लाई होता है और स्किडिंग से काफ़ी हद तक सुधार होता है और ब्रेकिंग भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। बात अब ब्रेकिंग की हो गई, अब हम बात कर लेते हैं इनके मीटर कंसोल की। तो दोनों में ही आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ओडोमीटर और ट्रिप मीटर, सर्विस रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें लगभग मिडिल सेगमेंट की बाइक में जो चाहिए वो आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे हम किसी एक बाइक को यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनके हैंडल और सिटिंग कंफर्ट पे। तो हैंडलिंग दोनों की काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर हैंडलिंग है दोनों की, लेकिन सीटिंग कंफर्ट की अगर बात कर लें तो यहाँ पे थोड़ी सी बात अलग हो जाती है, क्योंकि साइन एसपी में आपको एक नॉर्मल सीट देखने को मिलती है, एक कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, नॉर्मल सीट है, सस्पेंशन अच्छे हैं तो आपको कंफर्ट काफ़ी बेहतर मिलेगा। लेकिन यहीं पे ग्लैमर प्रोग्राम्ड एफआई की बात करें तो उसमें आपको थोड़ी स्पोर्टी सीट दी गई है, यानी कि जो पिलियन है उनकी जो सीट है वो राइडर के वाली सीट से थोड़ी सी ऊपर है, यानी कि आपको एक स्पोर्टी लुक आएगा, एक स्पोर्टी फील भी आएगा। और इस हिसाब से कंफर्ट की बात करें तो एफआई में भी आपको अच्छा खासा कंफर्ट देखने को मिल जाएगा। तो कंफर्ट दोनों ही बाइक में काफी बेहतर है, लेकिन जो सीटिंग पोजीशन है वो दोनों बाइक में थोड़ा सा डिफरेंट है। बात अब हैंडल और सीटिंग कंफर्ट की होगी, अब हेडलैम्प की बात बता दें तो दोनों ही बाइक में आपको 35x35 वॉट का हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, यानी रात में जो उजाला होगा दोनों ही बाइक से वो लगभग सेम होने वाला है। बात अब इनके डायमेंशन की कर लेते हैं, तो यहाँ पे होंडा सीबी साइन एसपी की बात कर लें तो इसमें अगर आपको इसकी जो लेंथ है वो है 2007mm की, जो इसकी हाइट है वो है 1085mm की, जो इसका व्हील बेस है वो है 1266mm का, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 160mm का और जो इसकी वेट है वो है 123kg का। ये बात हो गई यहाँ पे होंडा सीबी साइन एसपी की। अब हम यहाँ पे आते हैं प्रोग्राम्ड एफआई के बारे डायमेंशन की बात करें तो प्रोग्राम्ड एफआई में आपका जो लेंथ निकल के आता है वो होता है 2023mm का, जो इसकी हाइट आती है वो आती है 1091mm की, जो इसका व्हील बेस आता है वो आता है 1262mm का, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो आता है 159mm का और इसका जो ओवरऑल वेट आता है वो आता है 125kg का। तो डायमेंशन की बात हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 2 किलो ज़्यादा वजनी आपको जो है प्रोग्राम्ड एफआई देखने को मिलेगी साइन एसपी से। और अगर हम आपको बता दें, अब फाइनल ओपिनियन की बात कर लें, क्योंकि इन दोनों ही बाइक में जितने डिफरेंट थे, जितनी चीज़ें थी वो सब मैंने आपको बता दी। सबसे पहले एडवाइस मेरी यही रहेगी कि अगर आप इन दोनों बाइक को लेके सीरियस हैं, लेना चाहते हैं कोई एक बाइक, तो आप दोनों बाइक को अलग टाइम पे पहले टेस्ट राइड लीजिए। टेस्ट राइड लेने, और ये नहीं कि टेस्ट राइड बस ऐसे बैठ के देख लें, ऐसे नहीं, टेस्ट राइड मतलब कि आप कम से कम 2-3 किलोमीटर का टेस्ट राइड लीजिए, अपने कम्फर्ट को चेक कीजिए, अपने हैंडलिंग को चेक कीजिए कि कौन सी बाइक में आपकी हैंडलिंग बेहतर आ रही है। अगर आपको सिटी में राइड करनी है, एक
एक साधारण सी, एक खूबसूरत सी, अच्छी सी बाइक चाहिए, सिंपल सी बाइक चाहिए, तो आप सी बी साइन एस पी ले लीजिए। 5-speed ट्रांसमिशन के साथ है, आपको काफ़ी अच्छा स्मूथ इंजन देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसी बाइक चाहिए जो आपको स्पोर्टी लुक के साथ भी आए, प्लस आपको जो है एक अच्छा माइलेज भी दे, तो नो डाउट आप ग्लैमर ले लीजिए। आपको इन दोनों बाइक में कौन सी बाइक आपको बेहतर लगती है कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट्स के साथ, तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।